हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास सेकंड का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू तो ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, लेकिन क्लास एट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, आपको पढ़ना है ऑर्डरिंग नंबर। नंबर्स का ऑर्डर में लगाना, क्रम में लगाना। ऑर्डर मीन्स होता है क्रम, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, संख्याओं को क्रम में लगाना। अब क्रम में लगाने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। वी यूज टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, ठीक है। हम लोग दो टाइप से ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग घटते क्रम। अब बेटा बढ़ते और घटते में अंतर मैं बताती हूँ। जैसे एक प्रेयर का ही मैं एग्जांपल आपका ले लूँ। आप जब प्रेयर में लाइन लगाते हो तो आपने देखा होगा हाइट वाइज लगाते हो, है ना, लगाते हो ना हाइट वाइज। तो ये आपका जो ऑर्डर होता है इंक्रीज होता जाता है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ऐसे स्टूडेंट आप खड़े होते हो ना बेटा, तो ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर जो मैं पीछे से जाऊँ, आगे से देखती हूँ, तो वो आगे से आप पीछे जब लाइन के बच्चों को देखोगे तो वो होगा असेंडिंग। और अगर जो मैं पीछे से देखूं आपको और आगे की साइड आऊं, आपकी फर्स्ट जिधर आप खड़ा होता है फर्स्ट स्टूडेंट, जो सबसे छोटा, वो हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। चलो अब असेंडिंग और डिसेंडिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेंगे बेटा क्या होती है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ऑल्सो नॉन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको क्या देखो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नंबर को जो अरेंज करते हैं वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मीन्स सबसे छोटे से ले, छोटा स्टार्ट होता है, छोटे छोटे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जाके सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। तो इसको हमेशा किसके नाम से और जाना जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होता है डिक्रीजिंग का, मैं आपको बता दूं। देखो असेंडिंग का एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, क्या है, देखो 98 ऐसे सीडी चढ़ रहा है ना, 98, 105, 106, 154, 162। तो देख रहे हो सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट किया था, स्मॉलेस्ट नंबर, और एंड इन्होंने किससे किया, बिगेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट, वो बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो देख रहे हो आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें किससे स्टार्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर पर जाता है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर इज टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम में। घटते क्रम में कैसे लगाएंगे, जब हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर, ऑल्सो नॉन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। अब यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग का देखो सबसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, 152, फिर क्या हो रहा है, 143, 137, 129, 109। तो ये डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो सब कम होता जा रहा है, 47, 137, 129, 119, तो डिक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। तो इस ऑर्डर को हमने क्या देखा कि ये हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करने से पहले मैं आपको कॉपी में करना और सिखा देती हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके। टॉपिक ले लेती हूँ, क्या है बेटा आपका ऑर्डरिंग नंबर, क्या था ऑर्डरिंग नंबर, और ऑर्डरिंग नंबर कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा था, टू टाइप्स में, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो फर्स्ट मैं असेंडिंग के बारे में ही आपको बताऊंगी, ठीक है, और सेकंड जाके फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर ये क्या होता है, बढ़ते क्रम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लूँ, जैसे कुछ भी हो सकता है, 20, 14, 44, 99, ये आपके नंबर्स हैं। तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो अब असेंडिंग में क्या बोला गया था, इंक्रीज करना होता, बढ़ता जाएगा आपका नंबर। अब नंबर कैसे बढ़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, जो ये नंबर दे रखे हैं उसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से हमारे जाएंगे इस ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा सबसे छोटा है, आइए क्वेश्चन में, 20,
14, 44, 19. अब सबसे पहले काउंटिंग में देखो कौन सा नंबर बोलते हैं तो कौन सा आता है. आपने देखा होगा 14 आएगा, उसके बाद ही धीरे धीरे और पढ़ेंगे काउंटिंग, फिर क्या जाएगी 20, फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका 44 वाली लाइन आएगी, उसके बाद आपकी क्या जाएगी 99 वाली लाइन, 99. ठीक है, चलो अब लिखना शुरू करते हैं. तो मैंने कहा था सबसे पहले जो काउंटिंग में आए वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो 14 आएगा सबसे पहले, तो मैं यहाँ लगाऊंगी 14. फर्स्ट हमारा जो नंबर मिला क्या मिला, 14. अब जो नंबर बेटा देखो मिलते जाए ना उस पर तुम आप क्रॉस लगाते जाओ, तो आप ना फिर ढूंढने में आपको आसानी रहेगी कि मेरा कौन सा नंबर है जो मुझे अब सेकेंड नंबर पर लिखना है. अब इन तीनों में आप देखो कौन सा नंबर आपका है जो सबसे पहले आता है काउंटिंग में. अब 20, 44, 99, तो कौन सा आएगा, 20 वाली लाइन आएगी, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 20. तो ये भी हो गया, तो इसको भी क्रॉस कर दो कि अब मुझे इन दोनों को देखना ही नहीं है. अब किन को देखना है, इन दोनों को, इन दोनों को देखूंगी कि कौन सा नंबर आना चाहिए वो यहाँ लिखूंगी. अब 44 और 99 में देखो कौन सा नंबर आना चाहिए, 44 वाली लाइन आएगी, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 44. उसके बाद ये भी क्रॉस हो गया, अब मेरा एक बचा है तो मुझे अब ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे का ऐसा ही यहाँ लिख दूंगी. तो आपने देखा सेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे. तो अब आप देख रहे हो बढ़ता हुआ जा रहा है, देखो 14, 20, 44, 99 बढ़ रही है ना काउंटिंग, तो यह है आपका असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर. आप देखो आपका बुक में भी ऐसे ही दिखा रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज 1.4 का, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या ये नंबर्स जो गिवन है वो लगाने हैं. तो अब आप लगा लोगे ना, ये आपका 103 है, 175, 189 और 93. तो सबसे छोटा कौन सा है, पहले तो 93 है आपका, और उसके बाद 103 है, उसके बाद 175, 189. ये बेटा ऑलरेडी लगा रखा है, ये सेम आप ऐसे ही लिख सकते हो. ओके, इसमें आप ठीक से देखना कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा. ठीक है, क्योंकि देखो 100 वाली काउंटिंग जा रही है तो आप पीछे वाला नंबर देखते जाना, तो इससे आपको पता चल जाएगा बेटा कि कौन सा नंबर सबसे पहले लिखना चाहिए. तो ये आपका होमवर्क रहेगा. अब आपको मैं बताती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम, घटते क्रम. घटते क्रम में कैसे लिखना है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना. एक चीज याद रखो, उसका अपोजिट कर दो. मैंने नंबर लिया है पे 199, 140, 120 और 74. अब मुझे इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. किसमें लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में. अब क्या होगा, बिगेस्ट नंबर चूज करेंगे इन नंबर्स में से, मीन सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. अब देखो कि काउंटिंग में जो है सबसे बाद में कौन सा नंबर आएगा पढ़ने पे. देखो 99, 140, 120, 74. तो जो ये दो नंबर देख रहे हो आप, ये तो टेंस प्लेस के हैं, तो इनसे अभी मतलब मत रखो क्योंकि ये टू डिजिट के, ये थ्री डिजिट वालों को पहले देख लो. अब इनमें कंपैरिजन करो बेटा, सोचो कि इन दोनों में से पहले कौन सा आना चाहिए मेरा. पहले 120 वाली लाइन आएगी, उसके बाद ही तो 140 वाली लाइन आती है. तो जो सबसे बड़ा नंबर है आपका क्या है, 140. तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में कौन सा नंबर सबसे पहले आता है, बिगेस्ट. तो हमने फाइंड किया कि 100 मेरा क्या है, बिगेस्ट नंबर है. तो मैं यहाँ क्या लिखूं, 140. अब 140 फर्स्ट नंबर मिल गया, इसको कर दो क्रॉस. अब देखो कौन सा नंबर होगा, 100 वाला एक लास्ट बचा है, तो ये भी लिख दो अब, क्योंकि और कोई नंबर आपका है नहीं. अब ये भी क्रॉस हो गया, अब दो नंबर बचे 99, 74. अब इन दोनों में से देखो कौन सा बड़ा है, वो वाला लिखा जाएगा यहाँ, 99 या 74. तो आपको पता है कि 99 बड़ा है. क्यों, क्योंकि 74 वाली लाइन पहले पढ़ ली जाती है, उसके बाद 99 वाली लाइन आती है. तो यहाँ 99, तो ये भी क्रॉस कर दिया मैंने, इससे अभी मतलब नहीं है. अब लास्ट नंबर आपका क्या बचा है, 74. तो इसको अब जानने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे ही 74 लिख देंगे. तो आपने देखा कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, इस तरह से हमने नंबर को ऑर्डर करना सीखा.
दो टाइप से करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। अब ये आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जो दिखाया मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 138, 163, 175, 149। अब आप एक सबसे सिंपल वे है बेटा, देखो 100 की काउंटिंग जा रही है तो इसको मत देखो, आप पीछे वाला देख लो नंबर कि इनमें कौन सा नंबर है जो मेरा सबसे बड़ा है। आप देखो कौन सा सबसे बड़ा है, 75 वाला, क्योंकि उससे पहले 60 वाली लाइन आएगी, तो 75 यहाँ सबसे पहले लिख दो, 175। उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, इसको क्रॉस करते जाओ, इन तीनों में आप देखोगे 60 वाली लाइन आती है तो 163 आपका बड़ा होगा, इसको क्रॉस कर दो। इन दोनों में आप कंपेरिजन करो, 149 आपका बड़ा होगा, उसके बाद इसको क्रॉस कर दो, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट आपका 138 हो गया। बाकी जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आपको जो ये बचे हुए हैं जो खाली दिख रहे हैं आपको बुक में ही करने हैं, यही आपका होमवर्क है। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो होगी ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल है ये, ऑर्डरिंग नहीं है, ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ के रखोगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं ये आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस करूंगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है और लाइव क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे।